आओ सुनिए बलदेव सिंह गरेवाल होना दी लिखी हुई कहानी रजनी। इश्नान बेटी ने एक बार पीछे मुड़ के देखा, फिर काले कदमा नाल चली गई। बहुत मुश्किल नाल मैं अपने आप ते काबू रखिया होया सी, मेरे अंदरों एक लेर जिही उपरी सी, पर मैं उसनों गले विच ही दबा लिया सी। साड़ी बेटी इश्नान चले गई सी, जांदियां उसने बाहला गेट बंद कर दिता सी। मैनू लगा जिवें वो आख रही होवे। मैं आप ही इस घर दे दरवाजे अपने लिए बंद कर ले हन। ज्यों ही इश्नान ने बाहला गेट बंद किया, मेरिया अखां दे गेट बदो बदी खुल गए। मैं रोई, रज के रोई। साडी जवान जहान बेटी सानू ही छड के चले गई सी। इश्नान दे डैडी ने मैनू अपने नाल लगा लिया, ढारस दिती ते वापस अंदर ले आए। इश्नान ने जान लग्या जद सिर झुका के उन्होंने ससरी अकाल बुलाए सी, तां उन्हें इश्नान दे सिर ते हथ रख दिता सी, पर बोले कुछ नहीं सन। मैं सोचती सी इश्नान अखीर अजिहा करन तो रुक जाएगी, ओह कदे भी सानू इंज छड के नहीं जाएगी। पर मेरी सोच गलत निकली सी, ओह अपने फैसले ते डटी रही सी। ओह सानू छड के अपने काले दोस्त नाल रहन चले गई सी। मैं हुबके रो रही सां, मेरे पति मेरी ढारस बने हुए सन। उस दिन असी कुछ ना खाता ना पीता, चुप चुप कमरे विच बंद रहे सां। साडा खाना पीना तां उसे दिन तो हराम हो गया सी, जिस दिन इश्नान यह फैसला सानू सुनाया सी। आखिर जदों चले ही गई सानू इंज लगा जिवें असी धरती विच गड्ढे गए हाँ। असी अपने भाईचारे विच सिर चुकन जोगे भी नहीं सी रहे। असी आपस विच भी बहुता नहीं सी बोले। मैं इश्नान दे डैडी नू बुलाउण दी कोशिश भी कीती सी, पर वह चुप ही रहे सन। वह भी जरूर इश्नान बारे ही सोच रहे होणगे। मैं तां इश्नान तो बगैर कुछ होर सोच ही नहीं सी सकती। जद इश्नान पैदा होई सी तां इन्हां दी खुशी दा कोई पारावार ही नहीं सी। इश्नान साडी पहली औलाद सी। मैं अजे हस्पताल विच ही सां, एक दिन यह ड्यूटी तो सीधे हस्पताल आए। मैं बेटी नूं दुध चुंघा रही सां, यह दरवाजे विच वड़ा लगे बाहर बूहे उपर ही रुक गए, साडे वल टिक टिकी लगाई देखते रहे। जद मैं आवाज़ दे के कोल बुलाया तां कहण लगे, कल्पना इन्ना सोहना दृश्य मैं कदे देखिया ही नहीं सी। तुहानू दोहां नू मैं इस पोजिशन विच देख के पता नहीं ममता दियां केड़ियां डूंघाइयां बारे सोचण लग पिया सी। मैं अंदर आ के तुहानू डिस्टर्ब नहीं सी करना चाहुंदा। मैं दुध चुंघा के बेटी नू उहनां दी गोद विच पा दिता। वह बेटी नू नीच लाई देखी जा रहे सन। वह गोल मटोल उन्हां दी गोदी विच जांदियां ही कूक सौं गए सी। वह टिक टिकी लगाई उस वल देखी जा रहे सन, कहन लगे, कल्पी देख किन्नी पाक पवित्र है यह, ना मन ते ना तन ते कोई मैल ही नहीं, जिवें इसी रूह ते देह हुणे हुणे दरबार साहिब दे सरोवर चों इशनान करके निकलियां हुण। कल्पी आपां इहदा नां इशनान ही रख लईए। ते असीं अपनी बेटी दा नां इशनान को रख लिया सी। इश्नान ने खुशियां नाल साडा घर भर दिता सी। मैं एम ए फाइनल ईयर विच सी जद इन्हां नाल मेरा रिश्ता होया सी। इह इंजीनियरिंग करके अमृतसर लगे सन PWD डिपार्टमेंट विच। अमृतसर विच ही इश्नान ने जन्म लिया। हस्पताल तो सानू इह सीधा हरिमंदर साहिब लैके गए सन। असी मत्था टेकन तो बाद परिक्रमा विच दुख भंजन बेर थले इश्नान नू लै के काफ़ी देर बैठे पाठ सुनते रहे सां। उस पेर हेठ मैनू रजनी माता दी याद आई, जिस दे पिता ने उसनू कौड़ी नाल विआह दिता सी। इसे बेर हेठ वह अपने पति परमेश्वर नू बिठा के खैर मंगन गई सी। परती सी तां पति इत्थे ही सरोवर विच इश्नान करके तंदुरुस्त होया बैठा सी। मैं इन्हां सोचां विच डुब्बी ने गोद विच सुती इश्नान वल देखिया तां मेरे अंदरों
अपनी बेटी लिए अजीब प्यार ते डर जागया कि मैं उसनु हिक नाल कुट लिया। कोई बाप अपनी दुलारी नु कोड़ी नाल किवें ब्याह सकदा है। मेरे पति सतारण परिवार चों सन, उन्हां दीआं चार भैणां ते तीन निक्के भरा सन। उन्हां दे पिता जी डाकखाने विच सुपरडेंट सन। उन्हां दी तनखाह नाल परिवार दा बहुत मुश्किल नाल गुजारा हुंदा सी। इन्हां दी पढ़ाई ते उन्हां ने अपनी पिंड वाली जमीन वेच के लगा दित्ती सी। इह अपने परिवार दी हुण हर तरह सहायता करना चाहुंदे सन। मैं कदे इस गल नूं बुरा नहीं सी मनाया, पर इन्हां दी तनखाह इन्नी नहीं सी कि दोवें परिवार खुशहाल हो सकते। इह कई वार आखदे, कल्पना मैं अपने पिता जी दीआं सारियां जिम्मेवारियां अपने सिर लै लैणियां चाहुंदा हाँ, पर करां तां की करां। इन्हां दी ऐसी सोच विचों ही साडा अमरीका आ जाण दा प्रोग्राम बनिया सी। असीं इशनान नूं लै के अमरीका आ गए सां। इत्थे इन्हां नूं वधिया जॉब मिल गई सी, नाल इन्हां ने उचेरी पढ़ाई भी जारी रखी। कुछ ही सालां विच इह बहुत तरक्की कर गए। हुण किसी चीज़ की कोई कमी नहीं सी रही। इन्हां ने अपने परिवार की रज के मदद की, भैणा भरावां नूं पढ़ाया लिखाया, उन्हां दीआं धूमधाम नाल शादियां कीतियां। मेरा इन्हां सोचां विच डुब्बी दा हौका निकल गया। अज साडी अपनी बेटी साडे घर चों खाली हथ चले गई सी। साडी कोई गल उसने सुनी नहीं सी। उसने इको रट लगाई रखी सी, इह मेरी जिंदगी है, इसकी जिम्मेवार मैं हाँ। तुसीं पाल पोस के पढ़ा लिखा के मैनू इस काबिल बना दिता है कि मैं अपनी जिंदगी दी खुद टेक केयर कर सका। तुसीं अपना फर्ज पूरा कर दिता है। मां बाप का जो असल फर्ज हुंदा है, धी लई चंगा वर घर ढूंढ के उसनू बाजे काजा नाल तोरन दा, ओह फर्ज उसने सानू पूरा नहीं सी करन दिता। साडी नाराजगी दे बावजूद वह एक काले क्रिश्चियन मुंडे नाल रहन चले गए सी। उस नाल उसे काफ़ी देर तो संबंध सन। असी पुछदे सी तो आख देंदी सी, माइकल मेरा दोस्त है बस। हुण उसने उस नाल जाके रहन दा फैसला कर लिया सी। असी काफ़ी समझाया वह अपनी बरादरी अपने धर्म तो बाहर ना जावे, पर उसने साडी एक नहीं सी सुनी। इन्हां दे एक पाकिस्तानी दोस्त दे बेटे ने यहूदी कुड़ी नाल शादी कीती सी, पर उसने पहला उस कुड़ी नूं इस्लाम धर्म कबूल करवाया सी। इन्हां दे एक होर दोस्त दे बेटे दा मुस्लिम कुड़ी नाल प्यार हो गया सी। गल ब्याह तक पुजी तां कुड़ी दे बाप ने आख्या सी निकाह कर देंगा, पहला इस्लाम कबूल कर। मुंडे ने अपना सिख धर्म छड्डना परवान नहीं सी कीता, कुड़ी नूं छड्ड दित्ता सी, पर साडी बेटी ने। साडे दोहां पुत्रां ते इस गल दा बहुता असर नहीं पिया, पर असीं दोवें नमोशी दे मारे किधरे बाहर भी नहीं सा जांदे। इशनान ने नीरस जी बना दित्ती सी साडी जिंदगी। असीं दोवें धार्मिक सां, अपने सिख धर्म दा पूरा पालन करते सां। फिर कित्थे कसर रह गई सी जो इस माहौल विच पल के साडी बेटी साडे धर्म की परवाह किते बगैर एक क्रिश्चियन मुंडे नाल रहन चले गई सी। चार महीने भी नहीं बीते होंगे यह ढिले रहन लग पे। हस्पताल चैकिंग करवाउन गए तो कैंसर निकलिया। इन्हें तो बस दिल ही छड्ड दिता। असी बथेरी ढारस देंदे सां कि यह अमरीका है, इत्थे दुनिया विच सब तो वधिया इलाज है, तुसी ठीक हो जाओगे, पर इन्हें तो आस ही छड्ड दित्ती सी। मैनू पता सी इन्हां नूं इशनान दे इंज चले जाण तो बाद जिंदगी नाल मोह ही नहीं सी रह गया। महीना भी बीतिया नहीं सी इह तुर गए, मैनू इकली नूं छड्ड गए। अंत समय मैं इन्हां दा हथ फड़ी रखिया, इह मेरी वल देखते सन, फिर अखां मीट लैंदे सन जिवें बेबस होण। फिर एक बार अजिहियां अखां मीटियां कि मुड़ खुलियां ही ना। मैं रोई कुरलाई, छाती पिटी, पर इह जागे ही ना। अगले दिन मैं सुन होई बैठी सी।
ਬੇਟੇ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਦੋਸਤ ਮਾਈਕਲ ਆਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਮਾਮਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਸ ਥਰੂ ਗੋਡਸ ਵਿਲ। ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।